द इन्फॉर्मर। हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे गैजेट्स का रिव्यू और उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर सिंगर्स के लिए। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। दोस्तों, एक सिंगर को क्या चाहिए? एक ऐसा डिवाइस जिससे कि उसकी फोटो अच्छी आए, एक ऐसा डिवाइस जिससे कि उसका वीडियो अच्छा है, एक ऐसा डिवाइस जिससे कि उसकी वोकल क्वालिटी क्लियर है, और जब वो परफॉर्म करके ग्रीन रूम में जाए तो उस डिवाइस के जरिए उसका टाइम पास भी अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा ही डिवाइस लेकर के आए हैं जो कि वाकई बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जिस डिवाइस की मैं बात कर रही थी वो डिवाइस मेरे पास आ चुका है। जी हाँ, ये है Redmi K20 Pro। तो आइए कर लेते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। हाँ, ये देख सकते हैं, ये है इजेक्शन पिन। इजेक्शन पिन के अंदर ये देखिए, ये के अंदर बैक कवर मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा कार्बन ब्लैक कलर है। और जिस डिवाइस की मैं बात कर रही थी वो रहा ये देखिए, ये है वो ब्यूटीफुल डिवाइस जो कि ब्लैक कलर में है। पीछे का बैक भी ब्लैक है और बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। और स्मूदनेस की बात करें तो बहुत ही ये स्मूद है और इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो फटाफट हम लोग वो भी देखेंगे। और सबसे पहले इस डिवाइस को साइड कर लेते हैं और झांक लेते हैं इस बॉक्स के अंदर। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं जिससे कि आपको इस डिवाइस के बारे में ज्ञान मिलने वाला, तो इसे साइड कर देते हैं। ये देखिए, ये है 18 वाट का फास्ट चार्जर और ये है USB टाइप सी केबल। तो अब कर देते हैं इन सबों को साइड। देखिए दोस्तों, यही है वो डिवाइस जिसकी तारीफ मैं कर रही थी। और अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी, कैसे कैसे क्या क्या बटन, उनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले देख सकते हैं फ्रंट पार्ट है जो कि बहुत ही स्मूदी और बहुत ही शाइनी लग रहा है। अब इसकी हम लोग राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे पावर बटन है जो कि रेड कलर का है, जो कि मेरा फेवरेट कलर है, बहुत ही खेल रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसे ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन हो रहा है, जब तक ये ऑन होता है तब तक हम इसके और बटन और इसके क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। इसके ऊपर देखिए, पावर बटन के ऊपर आपको एक वॉल्यूम बटन मिल रहा है। इसकी ऑन ऑफ भी आप जहां से अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर टॉप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन माइक है, उसके बगल में एक 3.5 mm का जैक लगाने की फैसिलिटीज है। उसके बगल में आप देख सकते हैं पॉपअप स्टाइल में सेल्फी कैमरा है जो कि वाकई बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड इसका बिल्कुल प्लेन है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट के बाद अब बारी आती है बॉटम की। दोस्तों, अगर बॉटम की बात करें तो ये है डुअल सिम स्लॉट और ये है टाइप सी पोर्ट, उसके बाद प्राइमरी माइक और ये है स्पीकर ग्रिल। दोस्तों, अगर इसके बैक की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, डुअल LED फ्लैश है और यहाँ पे Redmi की ब्रांडिंग है। तो आइए बात कर लेते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा की। तो मैं अभी इसे ऑन कर रही हूँ और ये देखिए, यहाँ से ये पॉपअप सेल्फी कैमरा ऑन हो, यहाँ पे आपको रेड कलर की LED लाइट नजर आई होगी, जो कि ये पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है वो 20 MP का है। दोस्तों, 48 MP का इसका मेन कैमरा है और 13 MP का इसका अल्ट्रा वाइड और 8 MP का टेलीफोटो कैमरा है। दोस्तों, अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 mAh की है और इसमें कुछ चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, जैसे कि इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं है और इसमें हमें एयरफोन भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 की फ्लैगशिप प्रोसेसर है। दोस्तों, अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें, 6.39 inches की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। दोस्तों, इस मोबाइल से मैंने कुछ फोटोज निकाले हैं, अब मैं आपको वो फोटोज दिखाने वाली हूँ जो मैंने इस मोबाइल से खींचे हैं। दोस्तों, मैंने जो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही लाजवाब है। अब
बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की। केवल 22,000 में 855 क्वालकम स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, फोटो एडिटिंग के बहुत सारे फीचर्स और भी न जाने क्या क्या है इस डिवाइस में। दोस्तों 22,000 में इतने सारे फीचर्स आपको किसी दूसरे डिवाइस में नहीं मिलेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इसका अंतुतु स्कोर तो बताया ही नहीं, ये हैंग होता है या नहीं, और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने 1 साल पुराने फोन का रिव्यू क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो आप इत्मीनान रहे, मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है जो आपके लिए जानना जरूरी है, बस इतना ही। अच्छा, एक आम आदमी को अपने बजट में बढ़िया मोबाइल चाहिए होता है, और आप यकीन करें K20 Pro बिल्कुल वैसा ही है। नो हिटिंग प्रॉब्लम, हैंग भी नहीं होता है, 4G डुअल सिम स्लॉट है। दोस्तों Redmi K20 Pro दो वेरिएंट में आता है, 6GB 128GB और 8GB 256GB। और अगर कलर्स की बात करें तो इसमें कलर्स हैं ग्लेशियर ब्लू, पर्ल वाइट, फ्लेम रेड और कार्बन ब्लैक। और MI जैसे ब्रांड का भरोसा तो दोस्तों बिल्कुल है, हम जैसे लोगों को बस इतना ही समझ में आता है कि नहीं। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, इस मोबाइल की बात ही कुछ ऐसी है, इसने मुझे इतना आकर्षित किया कि फाइनली मैंने इसका रिव्यू कर ही दिया। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।